ये तस्वीरें आप पानीपत से देख रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर चिकन मेला जो है लगाया गया है। चिकन मेले का लगाने का मकसद यही है भाई, हम पब्लिक को ना ये संदेश देना चाहते हैं भाई, चिकन खाओगे ना प्योर और सस्ता प्रोटीन है, इससे सस्ता अगर कोई भी चीज़ नहीं है। ये हमारा मकसद है मेला लगाने का। आज सुबह 10 बजे से और रात 5 बजे तक चलेगा, कम से कम 5-6 हज़ार आदमी का वो है और 2-3 हज़ार आदमी तो अभी आके जा चुके हैं। लोग चिकन से दूर नहीं हो रहे। चिकन से अगर उन्हें बताओ ना, अगर दूर होते तो हर साल हमारी अगर 10-15% अगर जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो दूर होते तो अगर ये बिकता क्यों? कोई दूर नहीं हो रहे, चिकन तो खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भाई अगर नहीं खा रहे थे उनको पता नहीं था चीज़ का, उसको हम जागरूक करना चाह रहे हैं भाई। चिकन एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है और बहुत अच्छा और सस्ता और प्रोटीन है। अगर आप डेली 100 ग्राम कम से कम खाइए, जिसमें 100 ग्राम खाने 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। डॉक्टर तो जो किसी के कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है ना, भयंकर कोई बीमारी होती है, उसको डॉक्टर कहते हैं भाई अगर आप ना भी खाते हो तो जरूर खाइए चिकन, आप जल्दी ठीक होंगे। कोई एक्सीडेंट है या टीवी की कोई दिक्कत है तो डॉक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और अच्छा जब बोलते हैं। ये अगर सारी अगर पोल्ट्री जितनी एसोसिएशन है सारी करवा रही है, पोल्ट्री से तो कोई भी है तो ब्रीडर है, तो अगर इंटीग्रेटर है तो फार्मर है, तो एसोसिएशन है सारी मिलकर करवा रही है। अलग ही तरीके का चिकन मेला जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है और लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे कम खर्चे में प्रोटीन जो है इस चिकन से मिलता है और इसी को लेकर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए चिकन मेले का आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से ये चिकन मेले का आयोजन जो है किया जा रहा है। सोदापुर के पास गोकुल गार्डन के बिल्कुल पीछे दारोहना में जो है ये चिकन मेला चल रहा है और शाम 5 बजे तक ये चिकन मेला यहाँ पर लगेगा। और आयोजक बता रहे हैं कि सबसे कम खर्च पर और जेब के अनुसार प्रोटीन जो है लिया जाता है, और क्योंकि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं जब एक्सीडेंट या कुछ और बीमारी हो जाती है तो उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि चिकन सूप या कुछ चिकन के आइटम लें। और इसी को लेकर जो है आयोजकों का ये कहना है कि चिकन मेले का आयोजन जो है किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कढ़ाइयाँ जो है यहाँ पर रखी गई हैं, ये शेफ हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं तैयार करने। चिकन फ्राई है, चिकन लॉलीपॉप है, चिकन कढ़ाई है। चिकन खाने के क्या फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन मेले का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाउंसर भी यहाँ पर हैं और मात्र 50 रुपये में भर पेट चिकन खाएं। यहाँ देखिए आप रोटियाँ जो हैं वो भी चपातियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं, पूरे इंतजाम जो है किए गए हैं। आयोजकों का क्या कहना है, हम लोग सीधे आयोजकों के पास लेकर चलते हैं, वो क्या सोचते हैं और चिकन मेले को लगाने का उनका मकसद क्या है? आज हमारी पोल्ट्री की एक सभी एसोसिएशन ने इकट्ठा होकर एक संयुक्त चिकन मेले का आयोजन किया है पानीपत में। इसका हमारा मुख्य जो उद्देश्य है चिकन की प्रमोशन है, किस प्रकार से लोगों को चिकन के प्रति इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे 100 ग्राम चिकन के अंदर 26 ग्राम प्रोटीन है और 26 ग्राम प्रोटीन जो है आज 54 पैसे, मात्र 54 पैसे के अंदर सबसे जो कम कॉस्ट है वो चिकन के अंदर है प्रोटीन की। और बाकी जो जितने भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, पनीर है या बुफेलो मिल्क है, काओ मिल्क है, उसकी जो कॉस्ट है ज़्यादा आती है। और दूसरी बात है जो मिल्क के अंदर जो आजकल आपको पता ही है कि मिलावट का दौर है, मिलावट के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप तमाम मीडिया के साथी भी कवरेज करते हैं हमेशा, आप देखते हैं जगह जगह जो है दूध के अंदर पनीर के अंदर मिलावट करने वाले लोग हर रोज़ पकड़े जाते हैं। चिकन और एग के अंदर मिलावट होने के कहीं से कहीं तक भी कोई चांस नहीं है। और आज हमने जैसे हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ रही है उसको देखते हुए आज हमने यहाँ, वैसे तो पहले हम चिकन मेले लगाते रहे हैं, पिछली बार करनाल में लगा था, बीच में कोरोना काल के दौरान 2 साल बीच में मेला नहीं लगा। अभी हमने दोबारा चिकन मेला लगाने का काम अब शुरू किया है। आज पानीपत में पहला चिकन मेला लगाया गया, इसके बाद करनाल में लगाएंगे और फिर जींद में लगाएंगे। जैसे भाई साहब ने बताया, अवेयरनेस जो है ना हमारे अंदर आजकल अवेयरनेस बहुत कम है। अपने शरीर के प्रति ले लो, अपने काम के प्रति ले लो, जो प्रोटीन और एनर्जी की मात्रा जो चिकन के अंदर है, कम पैसों के अंदर जो फाइबर, जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड शरीर को चाहिए, जो इसके अंदर है वो किसी भी चीज़ के और अंदर नहीं है। अब रेड मीट के कंपैरिजन करो उससे कहीं ज़्यादा इसमें है। पनीर की बात करें वो कॉस्टली कितना है, उसमें कितना ले पाते हैं। और जो चिकन एक ऐसा है
रेड मीट है 700 रुपए किलो है, पनीर है 500 रुपए किलो है, ये 180 रुपए किलो है। इसमें जो कम पैसों में बढ़िया प्रोटीन, अमीनो एसिड और जो कैलोरी की मात्रा होती है और कार्ब बहुत कम है, ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए। कम पैसे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है और बढ़िया डाइट है। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आजकल आप किसी का चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं या तो आप इसका सूप पियो, चिकन का सूप पियो, चिकन खाइए। उससे क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हड्डी जल्दी जुड़ती है। ये तो सभी डॉक्टर के भी रिकमेंड करते हैं। हमारे देश में भी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लग रही है और इससे चिकन की मात्रा खपत भी बढ़ेगी। प्रति साल पर ईयर लगभग 7% के आसपास चिकन की मात्रा बढ़ रही है हमारे देश में, जिससे हमारे देश में कुपोषण की, आने वाले टाइम में कुपोषण की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म होने की उम्मीद है।